बाबा नगरी देवघर में भी शर्तों के साथ आज बाजार खुला। बाबा नगरी के मुख्य बाजार मंदिर गली के आसपास बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष राज ने। लॉकडाउन 4 समाप्त, लॉकडाउन 5 नहीं बल्कि लॉकडाउन 1 अनलॉक, और इस वक्त हम लोग बाबा नगरी देवघर के मुख्य बाजार में खड़े हैं। ये मंदिर को रास्ता आता है, आप देख सकते हैं कि बड़ी दिनों के बाद यहाँ रौनक लौटी है, क्योंकि सालों भर यहाँ रौनक रहती है, लेकिन लॉकडाउन लगातार था इसलिए बाजारें बंद थी। हालांकि कुछ दुकानें खुली हैं, कपड़ा के, ये बर्तन की दुकान है, ये छोटे फुटपाथ की दुकान है, चप्पल भी है, काफी लोग आम दिनों के अलावा आज के दिन काफी भीड़ दिख रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो दुकान, जो कपड़ा की दुकानें हैं, वो जरूर बंद है। हम जरा इन लोग से बात करते हैं, कुछ खुला गया कैसा लग रहा है? अभी तो बंदे रहता है ज्यादा समय, अभी तो कोई फैसिलिटी मिल नहीं पाता, जैसे सैनिटरी का सामान नहीं मिल पाता है मकान बनाने वाले, और सब दवा तो मिल जाता है, खाना मिल जाता है। आज खुला बाजार वगैरह बहुत राहत मिल रहा, कि पहले की लॉकडाउन था तो बहुत सारे सामान नहीं मिल पा रहा था, अब लॉकडाउन खुला है तो सारा सामान लेने में सुविधा हो रही है और ज्यादा तकलीफ नहीं। क्या आप लोग का व्यवसाय है? अभी तो वही कपड़े वाला है, लेकिन कुछ खुल नहीं रहा, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा करके खुल ही रहा है। कपड़ा न खुलने से जो है कि जनता को भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा है और अपना भी परेशानी हो रहा है, सरकार को थोड़ा कपड़ा के बारे में सोचना चाहिए था, कुछ भी टाइम दे, क्योंकि दूसरे का भी कुछ हो और अपना भी कुछ हो, अल्टरनेट भी अगर हम लोग को मौका मिलता तो अच्छा रहता, लेकिन सरकार कुछ सोच नहीं रही है। जो कपड़ा व्यवसाय का हालत है सरकार का नजर में कुछ नहीं। आपको कुछ राहत मिला है? जी राहत है, लेकिन मन में डर तो जरूर बना हुआ है। राहत है खाने के लिए, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से बहुत डर भी लग रहा है। इस तरह का डर है फैलने का डर, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना, जब से अनलॉक हुआ है तो डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है दुकानें खुलेंगी तो सब जाएंगे ही। कि कहीं खुशी कहीं गम का नजारा इसलिए कि लोग कपड़ा व्यवसायी हो गए या फिर पेड़ा व्यवसायी हो गए, क्योंकि मंदिर नहीं खुल रहा है, तो ऐसे में इन लोगों को जरूर निराशा हुई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं मनीष राज, न्यूज़ 11 भारत के लिए।